बादली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी व निवर्तमान विधायक अजेश यादव ने सरदानंद कॉलोनी में लोगों को संबोधित किया और कहा कि आने वाले दिनों में डंपिंग साइट के खत्ते के पहाड़ जो कि कूड़े का पहाड़ बन गया उसके पास बसे इस कॉलोनी को पीतमपुरा से भी सुंदर वो बनाकर दम लेंगे और इस डंपिंग साइट की जगह पर वो पार्क का निर्माण करवाएंगे अगले 5 सालों में। ये दावा किया है अजेश यादव ने और क्या कहा अपने दावों में आप उन्हीं से सुनिए। जो अरविंद केजरीवाल जी की दोबारा सरकार बनाएगा और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बढ़ गई ना ऊपर वाला कुछ बिगाड़ सकेगा। वो ऊपर वाला नहीं जो ऊपर सेंटर में बीजेपी बैठी है उसकी बात कर रहा हूँ। वो ऊपर वाला तो सबसे बड़ा है और जो नीचे एमसीडी में भी ये बैठे हैं बीजेपी ऊपर वाले को भी ठीक कर देंगे नीचे वाले को भी ठीक कर देंगे। ये इतने लड़ते लड़ते हमने काम करा दिए तो आने वाले 5 साल में आपके इलाके को पीतमपुरा से भी बढ़िया बना के छोड़ूंगा। इसमें बैठ के जो है ना पार्क में पिकनिक मनाने जाया करेंगे और वहां बैठ के रोटी खाया करेंगे। इतनी बढ़िया घास लगाएंगे यहाँ सब भूल जाएंगे आने वाले बच्चे के यहाँ कभी खत्ते का पहाड़ था भाई। तो आपको बहुत बार हमारी बात हो चुकी है 8 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है और मैं आपकी 5 साल जो सेवा करी है इसमें तो लड़ते झगड़ते करी है। आने वाले 5 साल हमें इतने लड़ाई झगड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा पे स्वास्थ्य पे हर चीज पे इतने काम करने हैं हमने कि आने वाले बच्चों का हमारा भविष्य सुरक्षित हो और उनकी अच्छी जिंदगी उनको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।